तो कल है कद्दू भात, तो कल कद्दू भात में हम लोग घर में रहेंगे, तो आज सोचे आज गंगा स्नान हो जाए। यहाँ पे मामा है हमारी, तो अभी यहाँ छत को धोया जाएगा, फिर नहाएगी, फिर यहाँ पे गेहूँ सुखाया जाएगा। तो सभी लोग जी पहुँच गए हैं जिया के गांव और क्रियांश आ गया अपने नानी गांव, और यहाँ पर हमारे ससुर जी हैं और बाकी साले साहब सब। जय हो गंगा मैया की। पकड़ेंगे पोता कोता तो किसी को टेढ़ता नहीं। उधर जो है देख रहे हैं छठ का घाट बन रहा है, कद्दू का पकौड़ी सब बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कद्दू को कट। तो यहाँ पर लगता है कद्दू जो है बन चुका है, क्योंकि झांस आ रहा है मुझे। सबसे पहले प्रसाद क्रियांश खा रहा है, आज का प्रसाद यही होता है ना, तो इस वजह से कैसे भी बनाओ आज टेस्टी बनता है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी कल है नहाए खाए, तो नहाए खाए को लेकर तो हम लोगों को गंगा स्नान करना है। तो गंगा स्नान करने के लिए जो है कल तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आज ही हम लोग जा रहे हैं, और आज हम लोग जा रहे हैं जिया के घर। जी हाँ, तो चल रहे हैं जिया के मायके, और वहाँ चल करके जो है सभी लोग अपना करेंगे गंगा स्नान। मम्मी भी चल रही है, पापा भी चल रहे हैं, हमारा बेटा क्रियांश भी है, और सभी फैमिली है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलते हैं, चल करके आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। क्या हुआ क्रियांश, क्या हो गया, क्या चाहिए? तो हम लोग निकलने वाले हैं, और क्रियांश इतना एक्साइटेड है, डांस कर रहा है। कितना जल्दी निकले सब, लल्ला ए लल्ला, जय करो पहले दादी को, दादी को जय करो, पैर छुओ, दादी का पैर छुओ, गंजी रहिए, रुक जाएगी बेटा। तो कल है कद्दू भात, तो कल कद्दू भात में हम लोग घर में रहेंगे, तो आज सोचे आज गंगा स्नान हो जाए। कल काम भी तो बहुत हो जाता है, हाँ। पर्व है, तैयारी भी शुरू से ही किया जाता है, छठ का तैयारी 15 दिन पहले से की जाती है। इस वजह से आज ही हम लोग नहा लेंगे, स्नान करेंगे। मैं 35 साल पहले से ही छठ कर रही हूँ, जब तक दिनकर की कृपा हो जाए, हाँ। तो शायद मुझे लगता है कि मैं छठ करते चल जाऊंगी। अब चलो डांस कर लो थोड़ा सा। सोच रहा है कहीं हमको कोई छोड़ के नहीं जाए, थोड़ा सा खुश कर देते हैं सब। खुश कर देते, चलिए दादी छोड़िए, बाय, बैठिए मां, छोड़िए नहीं जाएगा। तो हम लोग जी घर से निकल चुके हैं, और बीच रास्ते में रुक गए, और यहाँ पर पी रहे हैं चाय। तो मम्मी और पापा जो हमारे गाड़ी में हैं, तो उनके लिए बिना चीनी वाला चाय का जरूरत है, तो दिया लेकर के जा रही है बिना चीनी वाला चाय, और हम लोगों के लिए जो है चीनी वाला चाय अब जो है तैयार होने वाला है। और क्रियांश हमारे गोद में, बाय, किसको बाय कर रहा है? शायद आप लोग को बाय बोल रहा है। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में। हमने तो पी लिया जी गरम गरम चाय, और बहुत ही स्वादिष्ट चाय है, यहाँ का चाय में जो स्वाद रहता है जी बहुत ही जबरदस्त रहता है। और फिलहाल जो है अपना जिया पी रही है, तो ऐसे ही करके पिया जाता है, पहले एक पीता है एक पकड़ता है, और जिया का जो आदत है उसे भी ठंडा चाय पीने का। जी अपना जो है पी रही है चाय, तुम बार बार बाइक क्यों कर देता है, चश्मा पर अटैक करेगा ये। डूमर की चाय पीने के बाद जी हम लोग निकल लिए जिया की घर की तरफ। यह रास्ता तो मुश्किल से 1 घंटे का ही था, लेकिन यह जो है थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि जी भीड़ बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे श्रद्धालु सब जो है आ रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। कितना भीड़, पोखर बनाते थे, गंगा था ही नहीं, सब आदमी पोखर में नहाते, यहाँ पे इतनी भीड़ जो है सिर्फ गंगा स्नान के लिए। यहाँ पे मामा है हमारी, डैडी इधर है, अब ले लो, अब नहीं जाएंगे लो, सिरप के लिए रो रहा है वो। कुछ नहीं, इसको बिस्किट मिल गया, अरे खोज के गए बिस्किट नहीं मिला हमको, एक ढूंढ के ले आया, लो लो, अब मैं खोज लिया नहीं मिलना बिस्कुट, एकरा में उधर ही निकाली गए। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, छत को धुआ जा रहा है, अभी सुखने नहीं छिगे नहा का, तो अभी यहाँ छत को धोया जाएगा, फिर नहाएगी, फिर यहाँ पे गेहूँ सुखाया जाएगा। तो सभी लोग जी पहुँच गए हैं जिया के गांव, और क्रियांश आ गया अपने नानी गांव, और यहाँ पर हमारे ससुर जी हैं और बाकी साले साहब सब। और ससुर जी पीछे छिप रहे हैं, कौन है ससुर जी? आर्यन। हम लोग आए हुए हैं जी गंगा किनारे, और सभी लोग जो है जा रहे हैं, और यहाँ पर गंगा जल भरने के लिए ढेर सारा डब्बा है, दिखा दो कितना सारा डब्बा है, इतना सारा गंगा जल जो है भरा जाएगा। और हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे, और कुछ ऐसा ढलान है इधर, तो संभल संभल के चलना है, ये एकदम दौड़ लगा के दौड़ लगा के। तो सभी लोग जो है उतर के आ गए हैं, और नीचे जो है थोड़ा सा गिट्टी सब है, कंकर पत्थर सब है, तो संभल संभल के चलना पड़ा है, नंगे पैर आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग सब आए हुए हैं,
तो सभी लोग एक एक करके नहाएंगे, पहले पापा नहा करके आ जाएंगे, फिर क्रियांस को पकड़ेंगे, फिर हम सभी लोग चलेंगे। पहले बाबा नहाएंगे, पकड़ेंगे पोता कोता तो किसी को टेढ़ता नहीं। उधर जो है देख रहे हैं छठ का घाट बन रहा है, कहाँ तक बनता है इसमें घाट पूरा? अच्छा उस साइड, अच्छा अच्छा अच्छा, छिका भी गया अभी ये इतना दिन पहले? छिकेगा नहीं, सब अपना अपना छिकता है। क्रियांस जो है एकदम एक्साइटेड है पानी में जाने के लिए, डर रहा है, डर रहा है। क्रियांस का तो नहाना हो गया जी, अब क्रियांस को नहा करके जो लेके चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि क्रियांस के बाबा भी नहा लिए हैं, तो ये चला जाएगा बाबा के पास, फिर हम लोग भी अपना गंगा स्नान करेंगे। A few moments later, लल्ला नहा के हो गया तैयार, जाओ बाबा पास जाओ, चलो बाबा के पास जाओ, हम लोग को भी नहाना है। यहाँ पे सभी जल भर रहे हैं, तो मम्मी पापा तो नहा करके चले गए, क्रियांस भी नहा लिया है साथ में, जो है दादी माँ भी नहा ली, हम लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर अपना डुबकी लगा रहे हैं, तो लगाया जाए डुबकी, लगाओ तुम लोग। वाह 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 वाह, जय हो गंगा मैया की। One hour later. तो गंगा स्नान करके जी हम लोग आ गए हैं जिया के गांव में एक भगवती स्थान, तो भगवती मंदिर आ गए हम लोग, और सभी लोग यहां करके पूजा कर रहे हैं, और क्रियांस को अच्छा जगह मिल गया है खेलने के लिए, तो क्रियांस घूम रहा है, घूमते घूमते कर रहा है जय जय, देख रहे हाँ देखिए कान पकड़ के हाथ जोड़ के पूजा करो, डैडी पूजा करते हैं ना उसे। जय करो बेटा जय, आराम से बेटा गिर हो चुके हैं, और इधर छठ की तैयारी चल रही है क्योंकि कल है नहाए खाए, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ वजन किया जा रहा है, नापा जा रहा है, फिर धोया जाएगा, फिर वहाँ जो कपड़ा है उस पर सुखाया जाएगा। जा रहे हैं क्रियांस रुक गया है कोलासी में, और डैडी वहाँ ले रहे हैं नारियल। तो क्रियांस यहाँ मेरे साथ है गाड़ी के स्टीयरिंग पर, आराम से खेल रहा है, मम्मी कुछ बात कर रही है मौसी से, और क्रियांस का अब क्या आदत हो गया है, पहले खाली स्टीयरिंग घुमाया करता था, खेला करता था, आजकल गाड़ी का स्विच ऑन ऑफ भी कर देता है, वाइपर को भी ऑन ऑफ कर देता है, तो कुछ ऐसा चल रहा है। और बाकी पापा और जिया जो है दोनों मिल करके जो है नारियल और कद्दू और बाकी जो भी चीज सामान है वो सब सब कुछ खरीद रहे हैं, और कल कद्दू भात के लिए कद्दू का तो जरूरत है ही, तो वो तो जरूरी है लेना, वो लेंगे, और साथ में सिंधा नमक भी लेना है, तो वो भी ले लिया जाएगा। ले लिया कद्दू का पकौड़ी सब। वाह चलो बढ़िया है, इसको पीछे डिग्गी में रख दो, और ये बार बार ऑन कर देता है इस वाइपर को, तो इंतजार करें जल्दी से वो शॉपिंग खत्म हो और ये यहाँ से फ्री हो जाए, तो कभी यह छोड़ने को तैयार नहीं है इसको। तो फाइनली जी सभी लोग पहुंच गए घर, और घर पहुंच करके जो है थोड़ी राहत मिल रही है, क्या थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाकी क्रियांस यहाँ पर आ गया है, और आते ही जो यहाँ पर खेलना शुरू कर दिया, और यह खुश क्यों हो रहा है वो अभी आपको दिखाते हैं, पीछे देख रहे हैं लाइट, तो उसी लाइट को देख करके जो यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। हाँ जिया जाके लाइट बंद कर देगी, लाइट बम हो गया, लाइट बंद, और ये चला गया अपने से जलाने, लेकिन उसको पता है स्विच कौन सा है, जला लेगा अपने से, हाथ बेचारा के पहुंच नहीं रहा है, ने जला लेता, लेकिन स्विच कौन सा है वो भी पता है। 6.5 hours later. तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं जी मार्केट कद्दू भात के लिए, जो है इस बार सोचा है कि नया बर्तन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अपना बर्तन लेने के लिए आए हैं, तो सीधा आ गए हैं जी बर्तन के दुकान के पास, तो चलते हैं अंदर और खरीदारी शुरू करते हैं। हम लोग बर्तन तो ले लीजिए, बर्तन लेने के बाद जब हम लोग ले रहे हैं कुछ राशन का सामान, तो राशन का सामान का जो सारा लिस्ट यहाँ पर बना हुआ है, इस लिस्ट के अनुसार सारा सामान सब आ रहा है, ये लिस्ट किसका बना हुआ था? अंजलि फुआ का लिस्ट बना हुआ था, तो सीधा वो लिस्ट मांगे, बहुत ध्यान से बना रही थी, तो बोले मुझे दे दो, हम भी ले रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और हम लोग का जो है उठना लगभग जो है 1 घंटा पहले ही हो गया है, क्योंकि बात किया था, अच्छा जिया कह रही है उसका जो है 2 बजे ही हो गया था, और जब भी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्रियांस ऐसे ही शोर मचाता है। आजकल पिटना भी सीखा है सभी को ये। तो क्रियांस का लक्षण जो है हम देख लेते हैं कि यहाँ जो है अभी सोने नहीं वाला है चैन से, तो हम जो चले गए दूसरे रूम में कि कम से कम 2-3 घंटा अभी हम सो जाए, क्योंकि रात तक कुछ कर रहे थे अपना काम, तो उस वजह से जो है इसलिए हम भी नहीं उठाया। अच्छा, और अपना उधर जा करके अभी टीवी देख रहा है वो है, और अभी मैं बना रही हूँ कॉफी, हमने पूजा का सारा जो भी बर्तन था सब धो लिया है, क्योंकि क्रियांस अभी खेल रहा है तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो वो जब चिल्लाने लगता है तो फिर एक भी काम नहीं हो पाता है। 2 बजे से जगी हूँ तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ नहीं देगा ये फ्लाइंग कैसे करेगा।
ज्यादा बोलोगे तो पिट्टी यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी और आज मैंने ये रेड वाला सूट पहना है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सेकंड टाइम मथुरा पहन के गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सूट, मुझे बहुत पसंद है। और ये हमें शादी में नैन्सी दी ने दिया था जो कि सच में बहुत खूबसूरत है, एकदम वर्क किया हुआ है, देख सकते हैं आप, एक न्यू ब्राइडल टाइप का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सेकंड टाइम जब मैं गई थी ना मथुरा वृंदावन उस टाइम मैंने ये पहना, मुझे लगा कि आज छठ का पहला दिन है तो आज कुछ अच्छा पहना जाए तो फिर मैंने ये पहन लिया। और अभी चलते हैं पूजा करते हैं, फिर पूजा करने के बाद प्रसाद बनाएंगे आज कद्दू भात का, जो कद्दू भात है। और पीछे पति थे वो इंतजार करें क्योंकि अभी दीदी ने पोछा लगाया है रूम में तो सूखेगा तो फिर वो काम करने बैठेंगे। तो जिया जो है अपना सवेरे सवेरे उठ करके जो है अपना पूजा का बर्तन सब जो है साफ सब कर लिया, उसके बाद जो है अपना कद्दू भात की जो है तैयारी भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोभी है, बैगन है, साथ में कद्दू, और जिया जो है तैयारी भी शुरू कर दी है। अभी हम बना रहे हैं आलू गोभी, फिर बनाएंगे दाल कद्दू, पकौड़ा सब भी बनेगा, तो हम सबसे ज्यादा उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमको पकौड़ा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और आपके लिए आलू का भी पकौड़ा बनाएंगे। आलू का पकौड़ा तो रहना ही चाहिए, कोई पकौड़ा रहे या न रहे, साथ में बैगन और कद्दू का भी रहेगा ना। हाँ, साथ में बैगन कद्दू आलू का पकौड़ा। चलो बढ़िया है, तो करो अपना तैयारी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कद्दू को कट, कद्दू को मैंने छील लिया, उसके बाद हमने धो लिया, उसके बाद उसको कर रहे हैं कट, उसके बाद आगे की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारा आलू गोभी बन चुका है, ये देख सकते हैं, गैस को करूंगी बंद। तो हम इसमें डाल दिए हैं दाल और कद्दू डाल रहे हैं, और इसके बाद हमने हल्दी नमक और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला डाल देंगे, सूखा गर्म मसाला, और एक बड़ी इलायची, सब कुछ एक बार ही हम डाल देंगे इसमें। अभी अदरक रस किया हुआ थोड़ा सा, और इसमें हम डालेंगे पानी, हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया, और इसमें लगाएंगे अभी सीटी, बाद में तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है इसको, हम 5 मिनट तक बिना इसमें पानी डाले हुए भून लेंगे। इसको मैंने ढक के छोड़ दिया ताकि कद्दू पानी छोड़े, और इसके बाद अच्छे से ये भून जाए, फिर इसमें हम पानी डाल के सीटी लगाएंगे। A few moments later. तो हमारा 5 मिनट हो चुका है, तो हम इसमें अब डालेंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए या फिर आपको सूखा चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें पानी डाल दिया, कुकर को करेंगे बंद। प्रियांश का इसमें खिलौना है, हमने रखा हुआ था ये थाली ग्लास जो कि न्यू है, तो हमने सोचा इसी को निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। पति देव से ऊपर से निकलवाए हम, थाली में लिखा हुआ है प्रियांश। हमारा सारा खाना बन चुका है, बस चावल अभी चढ़ा हुआ है, उसके बाद जब माँ खाने बैठेंगी ना तो उस टाइम पकौड़ी तल के देंगे क्योंकि ठंडा पकौड़ी अच्छा नहीं लगता है। और हमारा क्रियांश भी उठ गया है। क्रियांश राजी 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 बल्ला, 2 बजे उठो, 10 बजे तक सो। कार देखी कर रहा है, कैसे चलेगा लल्ला, ये कैसे चलेगा। तो यहाँ पर लगता है कद्दू जो है बन चुका है क्योंकि झास आ रहा है मुझे, और यहाँ पर तरवा भी जो है, हाँ हाँ, और यहाँ तरवा भी जो है लगभग तैयार है, तो आलू जैसे निकलेगा तो 3-4 तक समा दिया जाए। अच्छा, और उसको थोड़ा चराना भी है, चलो कोई बात नहीं, आपको हर बार बताना इंतजार रहेगा, कोई बात नहीं। A few moments later. तो यहाँ पर ही सारा खाना तैयार हो गया है और माँ भी आ गई है, और सबसे पहले जो यहाँ पर भोग लगाया जा रहा है, जैसे भोग लगा लिया जाएगा उसके बाद माँ खाएगी और सभी लोग खा लेंगे। क्या 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 बता क्या मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, नहीं मिलेगा मोबाइल। अच्छा, इसके पास भी अपना एक फोन है, देख सकते हैं छोटू सा फोन है, बात कर रहा है अपना। हाँ हाँ, वाह, बिहार वासी हैं, हमको तो लगता है हर घर में छठ मनाया जाता है, दुनिया के किसी भी कोना में होंगे तो आज कद्दू भात का पर्व मना रहे होंगे। और मैं दिनकर से स्पेशली प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप संसार के सभी सज्जन स्त्री और सज्जन माँ बाप पर अपना दया बनाए रखिए, किसी का आंख में आंसू नहीं दीजिए,
और निर्जा सब दिन श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत करती रहेगी, आप भी अपना दया बरसाती रहेगी। सबसे पहले प्रसाद क्रियांश खा रहा है। आमे आमे दो 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 आमे दो आमे मांगते हैं हम, आमे देते हैं हम, मांगे ना पापा को थोड़ी मांगे, मांगते ये दे देता है, चाहे कोई भी मांगे खिलाता सिर्फ हमें को ये। तो क्रियांश भी पकौड़ी खा रहा है, क्रियांश आलू का पकौड़ी खा रहा है। क्रियांश तो हमने इनको दिया ना खाने के लिए, ये खा चुका था पहले से, हमने इनको जैसे दिया तो यही बउआ जो है छीन रहा था। तो इसको भी मिल गया, इसको भी अच्छा लग रहा है पकौड़ी, आलू का पकौड़ी सिर्फ खा रहा है और कोई नहीं, और कुछ नहीं। दो आमे दो आमे, मम्मा को आमे दो। आमे दो रे, नहीं देगा, नहीं देगा। दो आमे, आपको खिला रहा है ये, लेकिन हमको नहीं देगा। दिन भर रखती हूँ मैं, रात में जगती हूँ मैं, लेकिन प्यार इसको सिर्फ पापा प्याता है। और यहाँ पे जो है हमारा पकौड़ी इतना हम तल लिए है, और बस इतना ही तलेंगे, इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको हम अभी नहीं तलेंगे क्योंकि हमारा बेसन हो चुका है खत्म, मुझे लगता है इतने में हो जाएगा। और माँ खाई लिए, बस डैडी और ये बचे हुए। बारी है पतिदेव के खाना खाने की, तो बताइए कैसा लगा खाना आज का? मजा आ गया, कद्दू और दाल तो बड़ा मजा आया खाने में। आज का प्रसाद यही होता है ना, तो इस वजह से कैसे भी बनाओ आज टेस्टी बनता है। अच्छा ऐसी बात है क्या? और उसके बाद जो यहाँ पर तरुआ सब है, तो तरुआ सब भी खा रहे हैं मजे में। आपका आलू का पकौड़ा कैसा बना है? अच्छा बना, मस्त। खाइए तब मजे से।